पिछले 24 घंटों में WWE की तरफ से क्या न्यूज अपडेट और रूमर से आई देखते हैं इस वीडियो में। तो मर्चेंट टाइटल सेल में एक बार फिर से यहाँ पर रोमन रेंज ने अपना यहाँ पर रिकॉर्ड कायम किया है। तो आज का सबसे बड़ा रूमर्स ये है कि इस बार के बैड ब्लड में यहाँ पर द रॉक का रिटर्न होने वाला, क्या ये सच है? उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर WWE का अगला जॉन सीना कौन होने वाला है जब यहाँ पर जॉन सीना WWE से रिटायर्ड होंगे तो? और जे उसो को यहाँ पर डिथ्रोन कौन करेगा? क्या वो डोमिनिक मिस्टर होने वाले जो यहाँ पर जे उसो को डिथ्रोन करेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो हर रोज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस साल की मर्चेंट टाइटल सेल की। इस बार भी यहाँ पर रॉमेज नंबर वन पे है और इस बार मर्चेंट टाइटल सेल में इनका जो यहाँ पर ओटीसी वाला टी शर्ट था वो कुछ ज्यादा ही यहाँ पर सेल हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर नंबर टू पे जे उसो है, इनका यहाँ पर इट वाला जो टी शर्ट था वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा सेल हुआ है। उसके बाद नंबर थ्री पे यहाँ पर जॉन सीना है, इनका यहाँ पर जो पिंक वाला टी शर्ट है वो काफी ज्यादा सेल हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये टॉप 10 रेसलर जिन्होंने यहाँ पर इस बार मर्चेंट टाइटल सेल में कुछ ज्यादा ही प्रोग्रेस किया है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर ने बताया कि आखिर उनका ड्रीम अपोनेंट कौन होने वाला है। तो ब्रॉन ब्रेकर का उनका मानना है कि जो उनका ड्रीम अपोनेंट होने वाले वो होंगे यहाँ पर रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर। हालांकि गाइस कुछ रेसलरों का ऐसा ही ड्रीम होता है, वो अपने आप को यहाँ पर नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए वो छोटे रेसलर से फाइट नहीं करना चाहते, वो कंपनी के टॉप रेसलर से यहाँ पर करना चाहते हैं जिससे कि उनका यहाँ पर ग्रोथ हो। उसके बाद यहाँ पर महाराजा का कुछ ऐसा ही ड्रीम था, पता नहीं उनका कहाँ शायद से वही समय है। तो नेक्स्ट इस समय यहाँ पर दी रॉक को लेकर काफी सारे रूमर्स ये निकल के आ रहे हैं कि दी रॉक का यहाँ पर रिटर्न होने वाला है इस बार बैड ब्लड में। हालांकि गाइस ये काफी हद तक सही भी है, हो सकता है कि मैच के यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर कोडी रोड सामना करे एक बार फिर से दी रॉक का, और हो सकता है कि एक बार फिर से यहाँ पर आकर इस मैच में दखल अंदाज कर दे और जिसकी वजह से एक बार फिर से फ्यूड देखने को मिले यहाँ पर दी रॉक वर्सेस कोडी रोड के बीच। उसके बाद गाइस नेक्स्ट इस समय डोमिनिक मिस्ट्रो काफी ज्यादा पोटेंशियल दिखाया जा रहा है जे उसो को डिथ्रोन करने के लिए। हालांकि अगर यहाँ पर डोमिनिक मिस्ट्रो ऐसा कर लेते हैं तो उनका काफी रेपुटेशन बन जाएगा क्योंकि वो काफी यहाँ पर बुरे रेसलर हो चुके हैं और फैंस का सबसे हेटर रेसलर यही है अभी तक। जब भी यहाँ पर कुछ बोलने जाते हैं माइक में तो इनको बू मिलने लगता है ऑडियंस की तरफ से। जॉन सीना के जाने के बाद जो WWE का अगला जॉन सीना होने वाला शायद से वो यहाँ पर कोडी रोड होंगे। वैसे कोडी रोड जॉन सीना के बारे में कुछ बातें भी कहते हैं कि वो काफी यहाँ पर जॉन सीना से सीखने को मिला उनको। वैसे गाइस इस समय कोडी रोड के पास वो पोटेंशियल है कि जॉन सीना का जगह ले सकते हैं और यहाँ पर कंपनी उनको काफी अच्छा बूस्ट भी दे रही है अपनी तरफ से। उसके बाद नेक्स्ट क्या यहाँ पर पॉल हीमन एक बार फिर से यहाँ पर कोडी रोड के साथ अलायंस होने वाले हैं, यानी कि पॉल हीमन यहाँ पर कोडी रोड का साथ देने वाले, ऐसा रूमर्स निकल के आ रहा है कि पॉल हीमन ही होंगे वहाँ पर वाइस मैन यहाँ पर कोडी रोड का। अगर गाइस ऐसा होता है तो यहाँ पर रोमेज सबसे ज्यादा गुस्सा होंगे, जिस तरह यहाँ पर पॉल हीमन को जब आए थे रोमेज के साथ तो यहाँ पर ब्रॉक लेसनर सबसे ज्यादा गुस्सा थे। वैसे आज के यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज ये है कि यहाँ पर जो एलिमिनेशन चैम्बर था उसका डेट एंड टाइम यहाँ पर रिवील्ड हो चुका है। तो गाइस एलिमिनेशन चैम्बर ये जो यहाँ पर WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला वो होगा यहाँ पर 25 मार्च को, ये भी होगा 2025 में। हालांकि अब यहाँ पर इसका जो टाइम है ये रिवील नहीं हुआ चुका है, पर इसका जो डेट था आपको हमने बता दिया कि 25 यहाँ पर मार्च को होने वाला है 2025 में। इसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर को लेकर। ड्रू मैकइंटायर के जो आंटी थे उनका डेथ हो चुका है और ये उनकी तरह से यहाँ पर कंडोलेंस है जिसकी वजह से यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर ने अपना यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया WWE में। उसके बाद गाइस यहाँ पर बॉबी लासली यहाँ पर WWE छोड़कर AEW में अपना डेब्यू कर चुके हैं। हालांकि यहाँ पर बॉबी लासली अकेले नहीं जा रहे हैं AEW में, उनके साथ यहाँ पर सेल्टन बेंजामिन है और MVP है। पर जो MVP है इनका अलग ही कैरेक्टर प्ले रोल होने वाला है, वो यहाँ पर बॉबी लासली को साथ गाइड करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सेल्टन बेंजामिन को भी यहाँ पर गाइड करने वाले हैं और इसी AEW के 5 ईयर एनिवर्सरी पे यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर अपना डेब्यू करने वाले हैं। वैसे गाइस यहाँ पर बॉबी लासली के बाद कुछ अलग डायरेक्शन भी नहीं था क्योंकि यहाँ पर WWE ने इस समय यहाँ पर काफी अंडररेटेड रेसलर बना दिया था। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं CM Punk के बारे में। ये CM Punk का 5वां मैच होगा यहाँ पर हेल इन अ सेल में, जहाँ वो ऑलरेडी अपने यहाँ पर 3 मैच लूज कर चुके हैं, उसके साथ साथ वो एक मैच यहाँ पर जीते भी हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर इस मैच में क्या होता है उनका। वैसे गाइस ये क्वेश्चन आपसे रहेगा कि आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस मैच को कौन विन करने वाले, क्या यहाँ पर CM Punk जीतेंगे या फिर ड्रू मैकइंटायर इस बार ब्लड बेल इवेंट में। उसके बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट है JD McDonald और फिन बैलर को लेकर। इनको यहाँ पर 100 डेज से ज्यादा भी यहाँ पर हो चुके हैं चैंपियन बने हुए, ऐसा ही फिन बैलर ने यहाँ पर अपने ट्विटर पे पोस्ट किया था, आप देख सकते हो। उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं ये मंडे नाइट रॉ का न्यू पोस्टर है यहाँ पर नेटफ्लिक्स के लिए। इस बार 6 जनवरी 2025 को जब नेटफ्लिक्स पर यहाँ पर लाइव होगा, आप देख सकते हैं इस बार मंडे नाइट रॉ को कुछ इसी तरह यहाँ पर पोस्टर दिखाई देने को मिलने वाला है। तो गाइस यही रहे आज के सारे न्यूज एंड अपडेट जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।